अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 3.6.1। आपको ये भी पता है कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 के अंदर हमारा डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पेज नंबर 48 के ऊपर। टॉपिक का नाम है बैंडविड्थ, जैसा कि नज़र आ रहा है, और 3.6.1। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंडविड्थ एक कॉमन सा नेम है जो कंप्यूटर की लाइन में इस्तेमाल होता है कि भी जो स्पीड के लिहाज से उसका ताल्लुक है कि भाई कितनी स्पीड का आपने बैंडविड्थ लिया हुआ है, नेट चल रहा है आपके घर में, या सवाल होता है कंपनी के अंदर कितनी बैंडविड्थ है या कितना इसकी जाने की स्पीड कितनी है, डाटा की कम्युनिकेशन की आपसे लिंक करने की, आपसे रब्ता करने की, या हमें इंटरनेट की स्पीड, इसका लफ्ज़ के लिए हम बैंडविड्थ लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब हम इसको प्रॉपरली देखते हैं। ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैज़ डिफरेंट ट्रांसमिशन। हर जो ट्रांसमिशन मीडिया चल रहा है, टीवी है, इंटरनेट है, केबल है, इन सब में डिफरेंट स्पीड चल रही है, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या चीज़ है? बैंडविड्थ इज ए मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो भी कम्युनिकेशन चैनल चल रहे हैं उनकी आपस उनकी जो मेजर है, यानी उसकी जो जाने डाटा के जाने की जो स्पीड है जिसको हम नापते हैं, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। अच्छा, बैंडविड्थ से पहले में एक बात हमारे सामने है, वो है बेस बैंड। बैंडविड्थ तक जाने से पहले हम बेस बैंड को समझेंगे, फिर हम बैंडविड्थ पे जाएंगे। बेस बैंड क्या है जी, इसको भी देख लें। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल, यानी कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल चल रहे हैं उनको हम बेस बैंड सिग्नल, जो डाटा कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है, आ रहा है और जा रहा है, उसको हम बेस बैंड के नाम से जानते हैं। और ये बेस बैंड क्या है? इज ए कम्युनिकेशन टेक्निक है इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस इन टू द ट्रांसमिशन, यानी इस तरीके से ये एक तकनीक है जिससे इन सिग्नल को हम सिग्नल कम्युनिकेशन जो हमारा मीडिया है जिसमें वायर है उस पर हम इसको डाल देते हैं विदाउट चेंज द मॉड्यूलेशन, उसका कुछ तब्दीली किए बगैर उस डाटा को, जो बाइनरी फॉर्म में जो डाटा होता है उसको हम वायर में या वायरलेस में डाल देते हैं तार में कि आगे जाके पहुँच जाए अगली जगह, ठीक है। तो इट और ये क्या करता है बेसमेंट क्या करता है? इट ट्रांसमिट अप टू द कपल ऑफ माइल्स, ये यानी कुछ माइल तक ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। एंड डज नॉट रिक्वायर द कंप्लीट, हमें उसके लिए कोई मॉडेम वगैरह तार, आम तार से डाटा कंप्यूटर के जरिए दूसरे कंप्यूटर तक जा रहा है। और वो कहता है उसके लिए हमें कोई, हमें क्या क्या चाहिए? कोई मॉडेम नहीं चाहिए होता। टिपिकल टोकन रिंग जो एक दो कंप्यूटर के दरमियान जब हम रब्ता करते हैं जिसमें केबल लगाई जाती है, तो वो कहता है टिपिकल टोकन रिंग या इथरनेट यूज जो हमारे घरों में या हमें जो केबल प्रोवाइड की जा रही है या स्कूल और कॉलेज के अंदर जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है वो बेस बैंड पे काम कर रहा होता है, यानी वो डिजिटल जो सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं वो बेस बैंड तकनीक पे काम कर रहे हैं, उसमें टोकन रिंग जो हमने पढ़ा था और इथरनेट जो केबल है जो यूटीपी केबल भी कहलाती है, इस केबल के जरिए डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो बेस बैंड जो हमारी लोकली जो काम है उसमें बेस बैंड तकनीक कहलाती है, जब इसको हम हाई स्पीड पर ले जाते हैं तो ये बैंडविड्थ कहलाती है। अब हम बैंडविड्थ की तरफ आते हैं, जैसे हम दूसरे लफ्ज़ में ब्रॉडबैंड भी कहते हैं। ये तो हमारा बैंडविड्थ हो गया, अब हम जा रहे हैं बेस बैंड से ब्रॉडबैंड की तरफ, यानी हम जब कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, मीलों दूर करते हैं, तो तब क्या कहलाती है? इसका हमने बेस बैंड का नाम दिया, अब है ब्रॉडबैंड, इसका नाम है ब्रॉडबैंड। बैंड जी, अच्छा एक यहां पर मैं आपको बेस बैंड की डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। इज ए कम्युनिकेशन टेक्निक, इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड, इन विच डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन टू द ट्रांसमिशन लाइन, ऑन टू ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन मिशन लाइन लाइन। अब हम बातें हैं, ये तो हमारा लोकल जो हमारा कुछ मील तक जो हम काम करते हैं वो बेस बैंड की बुनियाद पर करते हैं कि हम अपने सिग्नल्स को, बाहरी सिग्नल्स को केबल में डाल देते हैं। और कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को प्लेस किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडबैंड की,
ब्रॉडबैंड इज ए टेक्निक, आप इसकी डेफिनेशन देख लें, इज ए टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग, इज आर टेक्निक। अब हम आ गए हैं ब्रॉडबैंड की तरफ, ब्रॉडबैंड इज ए टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग, फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज, फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, अमाउंट्स ऑफ डाटा, यानी इसके अंदर डाटा की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, वॉइस की और वीडियो की, वॉइस और वीडियो, वॉइस हो और वीडियो, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी बढ़ गया है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी कि ब्रॉडबैंड में और बेस बैंड में क्या फर्क है। ब्रॉडबैंड इज ए टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, वॉइस हो वीडियो हो, ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जी, साइमल्टेनियसली बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल इन टू ए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। और उसमें हम ये भी देखते हैं, क्योंकि वीडियो की फ्रिक्वेंसी और है, ऑडियो की फ्रिक्वेंसी और है, टेक्स्ट की और है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का वीडियो, यानी हम डिफरेंट टेक्निक से ऑडियो वीडियो को भेजते हैं, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये ब्रॉडबैंड कहलाता है। जब हम लंबे डिस्टेंस के ऊपर लॉन्ग रेंज के लिए ट्रांसमिटिंग करते हैं तो हमें ब्रॉडबैंड कहलाता है। तो उसके लिए ये क्या टेक्निक है, यूजिंग FDM, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये क्या कहलाता है जी। इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, FDM, FDM, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी हम देखते हैं कि वॉइस है, वीडियो है, या ऑडियो है, या टेक्स्ट है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं FDM जी। इसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा को लेकर चलती है, ट्रांसमिट करती है एक वक्त के अंदर, ऑडियो भी ले जा रही है, वीडियो भी जा रही है, टेक्स्ट भी जा रहा है, तमाम डाटा को एक टाइम में मूव करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये टेक्निक यूज करते हैं, जो हमारे हर किस्म के डाटा को ले जाती है। इसीलिए इसको हमने नाम जो ब्रॉडबैंड का नाम दिया, और ये सारा टॉपिक हमारा बैंडविड्थ कहलाता है, कि बेस बैंड और ब्रॉडबैंड मिलकर हमारा टॉपिक क्या कहलाता है, बैंडविड्थ, जिसमें हम उसकी बैंडविड्थ को, उसकी स्पीड को चेक करते हैं कि कितनी स्पीड से डाटा पास हो रहा है। ब्रॉडबैंड इज द बैंडविड्थ यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स के दरमियान, लार्ज मेन फ्रेम में भी यूज होता है। दिस बैंडविड्थ इंक्लूड्स माइक्रोवेव, इसमें माइक्रोवेव भी है, सेटेलाइट भी हैं, कोएक्सियल केबल भी है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी है, तमाम चैनल जो हम कम्युनिकेशन के लिए आजकल यूज़ हो रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रही है, माइक्रोवेव यूज़ हो रही हैं, सेटेलाइट यूज़ हो रहा है, और हमारे जो बैंड, जो हमारे लोकल यूटीपी केबल जिसे हम इथरनेट कार्ड कहते हैं, इथरनेट केबल, वो भी यूज़ हो रही है। तो तमाम के अंदर जो डाटा जाना है उसको दो तरह से भेजना, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, उन दोनों को इकट्ठा डाटा भेजने के बारे में बात करना, ये हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। हमारा क्या कहलाता जी, बैंडविड्थ। उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।